नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली मल्होत्रा एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम विद शेफाली एट बुकमुक लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए एक हिंदी किताब लेकर आई हूँ। ये बहुत मजेदार किताब है एंड मुझे बहुत मजा आया इसे पढ़ने में। आई होप आपको भी आएगा। तो शुरू करें। निराली पोशाक बाय आशा नेहमिया, सीबीटी प्रकाशन। गोलमटोल राम उस देश का सबसे विशाल आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। वह इतना लंबा चौड़ा था कि महल के अंदर जहां वह काम करता था उसमें जा भी नहीं सकता था, जब तक कि वह मुख्य द्वार में झुके हुए तिरछे होकर ना चले। गोलमटोल राम का काम महल के मुख्य द्वार की बत्तियों को पहुंचना और सभी खिड़कियों को साफ करना था। वह भाग्यवान था, उसे सबसे ऊंची मंजिल की खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसे बस अपने पंजों पर ही खड़ा होना पड़ता। जो महल के घंटाघर में लगे पीतल के घंटे की पॉलिश करनी होती या शाही खंभे में लगी बड़ी सी घड़ी में चाबी भरनी होती। एक दिन शाही संदेशवाहकों ने घोषणा की, राजकुमारी का विवाह होने वाला है। गोलमटोल राम ने निश्चय किया कि उसके पास भी नए कपड़ों का जोड़ा होना चाहिए। उसकी टोपी में बहुत बड़े छेद हो गए थे, उसकी कमीज फट गई थी और पतलून भी। उसके जूतों में तो इतने छेद हो गए थे मानो वह नंगे पैर चल रहा हो। सबसे पहले मैं हैट खरीद लेता हूं, गोलमटोल राम बोला और हैट की दुकान पे गया। उसने मोर पंख वाली नीली पगड़ी पहनकर आजमाई। उसने पीले फीते वाली गुलाबी पगड़ी पहनी। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली हैट, भूरी हैट, लाल हैट सबको पहन के आजमाया। वह सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। मैं एक जोड़ा जूता ही खरीद लू, गोलमटोल राम बोला। वह दूसरी ओर जूते की दुकान में गया। उसने सुनहरे बक्सुए वाले भूरे जूते पहने, धारीदार फीतों वाले काले जूते पहनकर जांचे। जूते, चप्पल, सैंडल, बूट, उसने सभी को आजमाया। वे सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। मैं नए कपड़े ही खरीद लूं, गोलमटोल राम उदास होकर बोला। उम्मीद है कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे आकार में ठीक ठीक बैठे। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें और वॉस्कोट, चौड़े पजामे और संकरी पतलूने आजमाई। वह सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, दुकानदार ने सुझाया। वह आपके लिए नए कपड़ों का जोड़ा बना देगा। सो गोलमटोल राम दर्जी के पास गया। दर्जी गोलमटोल राम का नाप लेने सीढ़ी पे चढ़ गया। उसने देश की सबसे लंबी सीढ़ी मंगवाई पर वह गोलमटोल राम के घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूं। गोलमटोल राम पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं राजकुमारी के विवाह में कैसे शामिल हो सकता हूं जब तक मेरे पास नए कपड़े ना हो, वह उदास होते हुए बोला। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोलमटोल राम चिल्लाया, कृपया मुझे अपनी ये टोकरी दे दो। सबसे बड़ी टोकरी देना जो तुम्हारे पास हो। जरूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों से चित्रित एक सुंदर टोकरी चुनते हुए कहा। ये टोकरी मेरे लिए एक बढ़िया हैट रहेगी, गोलमटोल राम ने टोकरी सर पर रखते हुए कहा और पुरानी टोकरी को उतार दिया। उसके नए हैट ने उसे नदी किनारे टहलते समय धूप से बचाया। उसने नाव वालों को अपनी नावों के साथ नदी किनारे प्रतीक्षा करते ही देखा। उसे एक तरकीब सूझी। क्या आप अपनी दो नावें मुझे बेच सकते हैं? तुम हमारी नावों को क्या करोगे, नाव वालों ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोलमटोल राम ने कहा। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला।
अब उसे जरूरत थी तो कुछ नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो तंबू बनाता था। पंडाल बाबा राजकुमारी के विवाह के लिए लाल और नीला रंगीन तंबू बना रहा था। अह, कुमटोल राम बोला, क्या आपके पास मेरे लिए एक अतिरिक्त तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला। सो गोलमटोल राम ने तंबू पहन लिया। वह कितना खुश था, उसकी नई रूप सज्जा पूरी हो गई थी और वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा अतिथि था राजकुमारी के विवाह में। कहानी खत्म, पैसा हजम। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपको पता है आप भी रोज नई कहानियां पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हर तरह की कहानियां बुकमार्क लाइब्रेरी। आइए जुड़ जाइए बुकमार्क लाइब्रेरी से। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीकेंड एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।